हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास एंड दिस इज योर 8th लेक्चर रिलेटेड टू द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज द कॉन्करेंट फोर्सेस एंड अ थ्योरम रिलेटेड टू द कॉन्करेंट फोर्सेस। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर क्लास, बी विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, वो है कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, तो नेम आपको क्लियर हो गया हम कौन सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। और ये है क्या एक्चुअली, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं हमने एक बॉडी यहां पर किसी भी शेप की एक बॉडी ले ली है और इस पे हम डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी है बॉडी का, तो आपको पता है इफेक्टिव फोर्स कहाँ वर्क करता है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। तो हमने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर दिया है जिसको नेम दिया है F1। एक फोर्स हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया है इस डायरेक्शन में जिसको नेम दे दिया है F2। और एक फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया है जिसको नेम दे दिया है F3। तो दीज आर द 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी। 3 फोर्सेज की बात हमने यहाँ की है। तो इनमें एक चीज हमें इस डायग्राम में दिख रही है, वो क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F1, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F3 आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। द सिंगल पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। ओके, तो इन सबकी लाइन ऑफ एक्शन कहां मीट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे। तो इस तरीके के सारे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी बॉडी के सिंगल पॉइंट पे या किसी सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हो, तो कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। तो यहां पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी आर सच दैट their lines of action meet at a single point, then forces are called concurrent forces। बहुत सिंपल सा है। अगर किसी बॉडी पे हमने बहुत सारे फोर्स अप्लाई कर रखे हैं और उन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किसी सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, तो उन फोर्सेस को हमने जो नेम दिया है वो क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस। यू कैन सी इन दिस डायग्राम 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी F1, F2 एंड F3 एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ बॉडी दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, देन दीज F1, F2 एंड F3 आर कॉल्ड द कॉन्करेंट फोर्सेस। सो वैसे ही डेफिनेशन लिखी है मैंने, इफ फोर्सेज अप्लाइड ऑन बॉडी आर सच दैट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेज। तो आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर वॉट आर द कॉन्करेंट फोर्सेज। बट इनसे रिलेटेड एक थ्योरम है जिसको हम न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं फॉर द कॉन्करेंट फोर्सेज। उस थ्योरम का नेम क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो उस थ्योरम का नेम है लामीज थ्योरम। ठीक है, हम इसको भी स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में। तो थ्योरम क्या है, बहुत सिंपल सी फोर्स। इसी डायग्राम को अगर हम अज्यूम करें, सो लेट द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस F1, F3 एंड F2 इफ अल्फा, एंगल बिटवीन F1 एंड F3 इफ बीटा, एंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इफ गामा। ओके, इस डायग्राम को मैं आपको अलग से शो करके दिखाता हूँ। अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को फिर रिप्रेजेंट करें, लाइक दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, इसको हम ओ सपोज कर लेते हैं जहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रही है, तो हमने ऐसे शो कर रखा है इस डायग्राम को। ठीक है, इन दिस सिचुएशन F1, तो ये आपने कंसिडर किया है F1, ये F2 और ये F3। तो यहाँ पे जो एंगल हमने अज्यूम कर रखा है वो है अल्फा, ये जो एंगल है वो बीटा, और ये जो एंगल है वो है
गामा, इसी से रिलेटेड है हमारी लॉन्गीज थ्योरम। और ये जो पॉइंट किसी बॉडी का पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रही है सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, थ्योरी इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो पहले सुन लीजिए। अगर ये जो थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज इस बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम है मीन्स द इफेक्टिव फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, मीन्स देर इज नो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, मतलब इन तीन फोर्सेज के अंडर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में ये थ्योरी ये थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज लाइक दीज आर F1, F2 एंड F3, देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉमीज थ्योरम, मीन्स अगर इन थ्री फोर्सेस के अप्लाई होने से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा। इस डायग्राम को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, यहां पर स्टेटमेंट में लिखता हूं, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री concurrent forces, then the each force directly proportional to the sign of एंगल बिटवीन द अदर टू। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉमीज थ्योरम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस देन द ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो जैसे यहां पर हमने अज्यूम कर रखा है, लेट द बॉडी दिस बॉडी, ये जो बॉडी हमने शो की है, इट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज F1, F2 एंड F3, एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम द एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज अल्फा, द एंगल बिटवीन F3 एंड F1 इज बीटा, द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज गामा। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, सो अगर हम इस डायग्राम पे यूज करें अप्लाइंग लॉमीज थ्योरम ऑन दिस डायग्राम, सो वी हैव द रिजल्ट। ये डायग्राम आपने देख लिए हैं, स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया है, और इसको आप नोट करना चाहें तो स्क्रीन वॉश करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इनको रब करता हूं और उसके बाद में मैं थ्योरम नोटिस करता हूं। ठीक है, सो अब यहां पर थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैं नोटिस करता हूं, फिर से यहां पे नोटिस करता हूं, लॉमीज थ्योरम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, फिगर। तो ऑन फिगर जब हम इसको अप्लाई करेंगे, दिस पर्टिकुलर फिगर पे अप्लाई करने वाले हैं लॉमीज थ्योरम पे, तो क्या होगा, द F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो F1 ये है और अदर टू कौन से, F2 एंड F3, और इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा। सो इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड वी कैन राइट दिस F1 अपॉन साइन अल्फा इफ कॉन्स्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, हमें ऑलरेडी पता है। एंड ऑल्सो F2 इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F2 ये है, तो इसके लिए अदर टू फोर्सेस कौन से, F3 एंड F1, एंगल बिटवीन F3 एंड F1 इज बीटा, सो इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। नाउ F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज अगेन कॉन्स्टेंट, एंड सिमिलरली F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, सो F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। So we can assume this 1, 2,
एंड दिस इज थ्री, ठीक है। तो बाई मर्ज दीज थ्री इक्वेशंस, इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, बिकॉज ऑल आर इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन, ये कॉन्स्टेंट सभी के लिए इक्वल है, तो हम इनको मिक्स कर देंगे, तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास में ये आएगा, एफ वन इज साइन अल्फा, एफ टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा, एंड एफ थ्री इज डिवाइडेड बाई साइन गामा। दिस इज द लॉमिंग्स थ्योरम फॉर द थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी वाइल द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन वी कैन अप्लाई दीज रिलेशंस, ओके। सो और इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम पोजिशन के अकॉर्डिंग, द एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, एक्चुअली इन द वेक्टर फॉर्म दिस शुड बी जीरो, इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा, और ये इनमें रिलेशन है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको 11th स्टैंडर्ड पे करने हो सकते हैं, तो द थ्योरम इज वेरी यूजफुल फॉर द कॉन्करेंट फोर्सेज, जहाँ कहीं भी कॉन्करेंट फोर्सेज आएंगे, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।